युवा बेरोजगार रेलवे विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान भी धरने पर पहुंचे हैं। जमीन के बदले नौकरी की मांग कर रहे हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान से ये बड़ी खबर, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर किसान बैठ गए हैं। रेलवे फाटक बम्होरी गेट के पास सत्याग्रह अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है और सतना रीवा रेल दोहरीकरण में प्रभावित किसानों की भूमि मुआवजा और नौकरी उपलब्ध कराए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर किसान बैठे हैं और नौकरी की जमीन के बदले नौकरी की मांग कर रहे हैं। रामपुर बघेलान के प्रभावित गांव मनकहरी, हिनौता, सत्री कोठार और बम्होरी बठिया खारी बघाई युवा किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। 631 किसान प्रभावित हैं और रेलवे विभाग से लगातार गुहार लगा चुके हैं। वार्ड पारित हुआ सकरिया ब्यूरो रेलवे का, उनका तो हो गया, बस हमारा 13 को हुआ, तो सिर्फ 2 दिन के अंतराल में इतना मतलब भेदभाव हो रहा है कि हमको नौकरी और प्लस हमारा जो मुआवजा है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत गुस्से में हैं, प्लस उनके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है उसको हम क्लियर करें, और जो जैसा रिजल्ट आया है सकरिया बिरहोले के लिए उस तरह हम लोग को भी स्थायी नौकरी प्लस जो मुआवजा बन रहा है वो मुआवजा दे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जब तक ये हमारा रिजल्ट नहीं आता है, जब तक ये अनिश्चितकाल आंदोलन रहेगा और यहाँ पे किसान ये हमारा संयुक्त मोर्चा रामपुर का धरना अनिश्चितकाल ही चल रहा है, उसमें ये रेलवे दोहरीकरण का भी विषय हम लोगों के पास आया है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम लोगों को यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जाएगी और उचित मुआवजा नहीं। ये यहाँ रेलवे का जो सतना से लेकर के रीवा तक दूसरी पटरी बिछाई जा रही है, टू वे किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में यहाँ 5 गांव के किसान हैं, पामौरी गांव है, मनकहरी है, सतरी है, हिनौता है, जो है इन गांव के प्रभावित यहाँ किसान बैठे हुए हैं धरने में, जो है बठिया भी बघाई भी शामिल है। तो इसमें जो है खारी जो है करीब 5-6 गांव हैं, तो इनमें किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है। लेकिन जो रेलवे का जो कानून है जो अध्यादेश 2013 है, उन कानूनों का पालन नहीं किया गया है। तो हमारे बिहुरी और सकरिया को छोड़कर जो सतरी, हिनौता, मनकहरी, बम्होरी, खारी, बठिया, खारी, बघाई, ये प्रभावित किसान हमारे लगभग 631 हैं, जिनकी ज़मीनें भूमि अधिग्रहण में गई है। ये धरना प्रदर्शन रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की ज़मीन और जो शासन की गाइडलाइन है कि नौकरी और मुआवजा कृषक के एक परिवार को एक खाते से एक आदमी को नौकरी, उसी संबंध में यहाँ पर बघाई, हिनौती और बघौरी, मनकहरी के किसानों को नौकरी नहीं दी गई है। और इसके पूर्व में कुछ लोगों को सकरिया बिरहुली के लोगों को नौकरी दी गई है। तो हम लोगों की मांग है कि किसान एक है और ज़मीन भी एक है, तो जो नियम लागू किया जाए पूरे क्षेत्र के किसानों को ऊपर लागू किया जाए और हर पट्टेदार के एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी स्थायी दी जाए और